हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी आवर्स। तो आपके मुंह में पानी आया या नहीं इसको देख के। तो आज हम यही रबड़ी मलाईदार एकदम बढ़िया सी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेके आने वाली हूँ। हमने केवल दो ही इंग्रेडिएंट से इस मलाईदार रबड़ी को प्रिपेयर किया है। जी हाँ, बिल्कुल दो इंग्रेडिएंट से। इससे पहले आप लोगों के मुंह में पानी आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रबड़ी की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ 1.5 ग्लास दूध लिया है, इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने दो ब्रेड्स के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं और इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पाउडर बना लेना है। दूध जो हमने बॉईल होने रखा था, ये देखिए थोड़ा बॉईल हो गया है और थोड़ा इसमें थिकनेस भी आनी शुरू हो गई है। ये कॉर्नर्स में जो जो मलाई जमती रहती है वो हमें निकाल के वापस उसी में मिक्स करते रहना है। दूध बॉईल होने के बाद 3-4 मिनट में ही आपको दिखेगा ये काफ़ी थिक होने लगेगा, तो आपको इसको ऐसे ही चलाना है 4 से 5 मिनट बाद। ये मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर को थोड़ा सा पानी डाल के पहले घोल बना लिया है और इसको हमने डाल देना है दूध के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप भी जब इसको प्रिपेयर करें तो मिल्क पाउडर को एक बाउल में पहले घोलें मिल्क या वाटर के साथ, इससे लम्ब्स नहीं बनेंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे हल्का हल्का, इससे क्या है हमारे दूध में काफ़ी अच्छी थिकनेस आ जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ये मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी लिया है। एक बॉईल आने के बाद हम इसमें हमारे ब्रेड क्रम्स जो हमने उसको पाउडर बनाया था ब्रेड को, उसको डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए इसी दूध में पकाएंगे। हमें इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, हल्के हाथ से इसको चलाते रहें। और अभी 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। होने के बाद हमें इसे मिक्सिंग जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेना है, इससे क्या होगा कि इसका बहुत अच्छी थिकनेस आ जाएगी। ये देखिए, ये मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया है ठंडा होने के बाद, देखिए कितनी बढ़िया थिकनेस इसमें आ गई है, कितना अच्छा टेक्सचर इसका दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको वापस एक उसी पैन में हमने इसको पोर कर लेना है और इसको लगातार चलाना है। 2 मिनट के बाद ही आप देखिएगा इसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी, काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी रबड़ी, ये देखिए तैयार हो गई है। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। तो बस देखिए तैयार है हमारी रबड़ी, कितना कम समय में एकदम मलाईदार रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। इसको आप ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट करिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए और इन्जॉय करिए मलाईदार रबड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।